Welcome back to online classes, and today we will discuss about the valency. हमने last video में बात करी थी molecular mass की. Molecular mass जब भी हम calculate करते हैं किसी भी molecule का, तो हम सबसे पहले उनके सारे के सारे atoms का atomic mass calculate करते हैं, फिर उनको sum कर देते हैं, उनका add कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाता है molecular mass. एक example हमें वापस से revise करा देती हूँ आपको, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो हमें जो उसका रीजन होता है मॉलिक्यूल्स बनने का, वो कहीं ना कहीं वैलेंसी ही होती है. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल के बनने पर जो उनके एटम्स का टोटल मास होता है उसी को हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं CuSO4.5H2O, ठीक है, ये हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, एक सॉल्ट है, और इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास का कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, सबसे पहले हम एटॉमिक मास, किसका एटॉमिक मास, कॉपर का, ठीक है, उसको ऐड करेंगे टोटल मास ऑफ सल्फर, मास एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, देन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहां से देखते हैं तो 5 ऑक्सीजन और है अपने पास में, देन 4 and 5, टोटल कितनी ऑक्सीजन हो गई हमारे पास, 9. देखिए 4 तो यहाँ है एंड 5 ऑक्सीजन H2O का है, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 9, तो इसको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, देन प्लस करना है हमें हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन कितने हैं, 5 into 2 मींस 10, कितने हाइड्रोजन है 10, तो हम कैसे करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में CuSO4.5H2O का टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. दोबारा देख लीजिए, जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, देन सबसे पहले हम उनके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को लिखते हैं, फिर उनको ऐड कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, कॉपर एक ही है, फिर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर भी एक ही है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कितने हैं 4 and 5 9, देन 9 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में हमारे पास हाइड्रोजन बचा, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 10, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इस तरीके से इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो 249 point something आएगा. ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए, हमने फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, तब हमने बात करी थी कि जब भी मॉलिक्यूल बनते हैं तो जो एटम्स होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेते हैं. कंप्लीट मींस अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर लेते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए. अगर एटम्स में ऐसा नहीं होता है, देन दे आर अनस्टेबल. वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. सो फॉर गेटिंग स्टेबलाइजिंग दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स और एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स. वो क्या करते हैं स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या शेयरिंग करते हैं. अब इसी पर डिपेंड होती है वैलेंसी. वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम एक्सचेंज और शेयर. वैलेंसी क्या है, वैलेंसी किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करे हैं. एक्सचेंज मतलब दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं या लिए हैं. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है या जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग एक एटम करता है वही उसकी वैलेंसी होती है. सो वी कैन डिफाइन वैलेंसी एज इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन
ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। या हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंसी को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोज आर शेयर्ड और एक्सचेंज्ड। जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है या एक्सचेंज हुए हैं वही वैलेंसी होती है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल लेते हैं वैलेंसी को फाइंड करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन की। और यहां पर हम लिखते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां लिखते हैं वैलेंस। ओके, हाइड्रोजन के पास में आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह पाते हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा या अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है या शेयरिंग हो रही है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। फिर हम बात करते हैं हीलियम की। अब देखिए हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्योंकि इसके पास एक ही शेल होता है, वो फुल फिल्ड है, भरा हुआ है, तो हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। सो द वैलेंसी ऑफ हीलियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 है तो वैलेंसी कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट शेल है इसलिए वो भरा हुआ है। फिर हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1। लिथियम थर्ड पोजीशन पे आता है ना, तो 2, 2 तो अंदर वाले शेल में यानी फर्स्ट शेल में होगा और 1 आउटर मोस्ट शेल में होगा, तो 2 1। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, ठीक है, क्योंकि सेकंड शेल में इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कौन सा काम इजी है इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना या 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना? 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना इज मोर सिंपल, बहुत आसान है। सो इट रिलीजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंसी इज 1। देन बेरिलियम, देखिए बेरिलियम फोर्थ पोजीशन पे आता है, 2 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान समझता है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए भी डिफिकल्ट होगा, सो इट्स वैलेंसी इज 2। इसी तरीके से बोरोन, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी कितनी हो जाती है? 3। फिर कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, तो इसके लिए दोनों काम ही क्या है, सेम है। इसलिए कार्बन अधिकतर अपने जो कंपाउंड बनाता है वो शेयरिंग से बनाता है, इसलिए जो शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन उसमें इसकी वैलेंसी होती है 4। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। अब देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, है ना। अब 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देना या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना कौन सा ज्यादा इजी है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेना, 5 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करेगा, इससे बेटर है 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले। सो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 2। फ्लोरीन, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 1, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा।
अब देखिए लास्ट में आता है नियोन। नियोन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, फुल फील्ड है, दैट इज व्हाई नियोन कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यानी एक्सचेंज या शेयरिंग नहीं करता है, तो नियोन की वैलेंसी क्या हो जाती है, 0। तो इस तरीके से हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखकर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।